उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने रिसालदार पार्क स्थित बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि बौद्ध धर्म के लिए अपना योगदान दिया है। जो उनका बौद्ध धर्म के विस्तार प्रचार तथा दर्शन के लिए योगदान रहा है, हमारे देश के लिए अनुकरणीय रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश उनकी धर्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यद्यपि पैदा वो लंका में हुए थे, लेकिन 13 साल की उम्र से भारत में आकर के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और अभी तक महाथेरा प्रज्ञानंद जी एकमात्र ऐसे बौद्ध गुरु थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नागपुर दीक्षा समारोह में उपस्थित रहे हैं, मात्र जीवित भिक्षु थे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल ने स्वागत किया था। इस दौरान उपराष्ट्रपति के लिए राजभवन में भोज का भी आयोजन किया गया था। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।